होते हैं ना। तो अब कई लोग बोलेंगे कि जी हमारे जो बिजनेस से रिलेटेड कौन सी बातें करूंगा मैं। भाई मैंने कहा ना कि विषय से रिलेटेड ही बातें करनी है और जो विषय है उसमें दिलचस्प बातें करनी है। तो मेरे बिजनेस के हिसाब से दिलचस्प बातें क्या हो सकती हैं? बहुत कुछ हो सकती है। फेसबुक, फेसबुक से रिलेटेड कोई भी बात, फेसबुक ने किस तरीके से नेटवर्क को बिल्ड किया, मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया, वो किस एज के अंदर उसने ये छोटा सा एप्लीकेशन बनाया था, और देखते 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 फ्रेंड सर्कल जुड़ते गए, नेटवर्क बढ़ता गया। आप उनको बताओ कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कमा पा रहे हैं फेसबुक पे, सिर्फ हम वीडियो खेलते हैं, लेकिन ये जो बच्चा है जिसका नाम मार्क है वो कहाँ का कहाँ मिलीनियर बिलीनियर बन गया और रोज के रोज करोड़ों डॉलर कमाता है। कैसे? वो फेसबुक के बारे में आपको नॉलेज गेन करनी है, वो जब आप बात करोगे तो वो आपसे आपके नेटवर्क से रिलेटेड ही बात ही है। आप बिल गेट्स की बातें कर सकते हो कि बिल गेट्स साहब क्या थे, कैसे थे, क्या किया उन्होंने। उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया, जिसका नेटवर्क है उसका ही नेटवर्थ है। तो उन्होंने क्या किया, आज वो क्या करते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि माइक्रोसॉफ्ट से कंपनी है उसके अंदर, उसमें हजारों के एम्प्लॉय में रखा हुआ, उन्होंने एम्प्लॉय रखे हैं और वो लोग उनके लिए काम करते हैं, और पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर चलते हैं, हर कंप्यूटर में, हर लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट चलता है। आज पूरी दुनिया को माइक्रोसॉफ्ट नहीं नचा रखा है। ये आप बात कर सकते हो, ये बात कर सकते हो कि आप अमेज़न से रिलेटेड कोई बात कर सकते हो, अलीबाबा से रिलेटेड कोई बात कर सकते हो, अलीबाबा एक्सप्रेस, अलीबाबा.com आप जाओ देखो, दुनिया जहान के एक व्यक्ति ऐसा जिसने पूरी दुनिया को ऑनलाइन का जो पोर्टल था उससे कहां से कहां शुरू हुआ था और कहां तक पहुंच गया। अमेज़न का मालिक कहां कहां था और कहां पहुंच गया। ये क्या है, ये बिजनेस से रिलेटेड बातें हैं, ये क्या है नेटवर्क से रिलेटेड बातें, ये क्या है मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड बातें हैं, ये दिलचस्प बातें हैं। ये शो करती हैं, दिखाती हैं कि एक इंसान जमीन से आसमान तक कैसे पहुंच सकता है। उनसे रिलेटेड आपको वो बातें सारी इकट्ठी करनी है। हम क्यों बात करते करते हमें अचानक ही रिलायंस की, धीरू भाई अंबानी की, मुकेश अंबानी की, विप्रो की, इसकी बातें क्यों करने लगते हैं? हम आज कोरोना वायरस की वजह से सब लॉकडाउन हुआ पड़ा है, हम कह रहे हैं उस बंदे ने इतने करोड़ रुपए दिए, उस बंदे ने इतने करोड़ रुपए दिए। अच्छा उसने इतने दिए, लेकिन उसने तो 20 करोड़ दे दिए, ओहो उसने तो 140 करोड़ दे दिए। हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। सोचो अगर एक इंसान 140 करोड़ दे रहा है, 2 करोड़ दे रहा है, 10 करोड़ दे रहा है आप बिलीव करो कि लोगों को ये बिलीव कराना है कि लोग पैसा कमाते हैं इस इंडस्ट्री में। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, फिल्म इंडस्ट्री है और शेयर मार्केट इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी जितने भी इंडस्ट्री है उसमें लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। ये बिलीव कराना है लोगों को, ये जरूरी है। और जब भी आप प्रेजेंटेशंस करेंगे तो इस तरीके की दिलचस्प बातें जब भी आप करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, तो आपको आदत बन जाती है इन सारी बातों को करने की। वो यहां पे जहन में आप बिलीव नहीं करोगे, आपका दिमाग एक टाइम ऐसा होगा कि दिमाग काम नहीं चलेगा, वो जुबान चल रही होगी क्योंकि वो ऑलरेडी रटी हुई होगी, वो रट जाती है चीजें और खटाखट 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 वही चीजें निकल रही होती हैं। और आपको ये भी पता होता है कि कौन से शब्द के बाद, कौन से सेंटेंस के बाद, कौन सी चीजों के बाद, कौन सी स्लाइड के बाद क्या बोलना है, अपने आप पता लग जाता है आपको। धीरे 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 वो चीजें हो जाती हैं। तो ये प्रैक्टिस बार बार करनी है, ठीक है जी। अब जैसे मैं प्रैक्टिस की बात करूंगा तो प्रैक्टिस में मास्टरी आपकी तभी होगी जब किसी चीज को आप बार 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 करोगे। प्रेजेंटेशन देने की प्रैक्टिस, हंसने की प्रैक्टिस, आंखों में आंखें डालने की प्रैक्टिस, बात करने की प्रैक्टिस, हैंड मूवमेंट्स चलाने की ये प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस, इतनी सारी प्रैक्टिस करनी है। आप सोचो आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, अगर गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करोगे तो ही तो आप रेसर बनोगे ना, अदरवाइज एक कॉमन ड्राइवर होगे। अब गाड़ी चलानी नहीं आती तो गाड़ी ठोक दोगे। तो हर चीज की क्या करनी पड़ती है, जब आप बार 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 कोई प्रैक्टिस करते हो तो आप उसमें मास्टर हो जाते हो। अगर किसी भी चीज में मास्टरी लेनी है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूं कि मैं ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड व्यक्ति हूं, मैं ताइक्वांडो कोच भी रह चुका हूं, मैंने 22 साल मार्शल आर्ट करी, तो मैं उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं कि हम जब एक किक्स चलाते थे या स्टूडेंट को किक चलाते चलवाते थे या हम खुद चलाते थे, तो एक किक को परफेक्ट करने के लिए कम से कम 10,000 से 20,000 बार हमें वो किक्स को रिपीट करना होता है। एक ही बार में नहीं, हम रोज आते हैं, रोज प्रैक्टिस करते थे किट के ऊपर, रोज आते हैं, रोज टारगेट के ऊपर किट पैक
पैड के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं रोज, तब जाके हम परफेक्ट होते हैं। जब हम एरेना में उतरते हैं और बाउट करते हैं यानी कि फाइट करते हैं, तो उस वक्त हम उस टेक्निक्स को, उस किक्स को किस तरीके से मारना है उसकी अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या हमें पता नहीं है, या कहां हमें ब्लॉकिंग करनी है, कहां पे टेक्निक आंखों में आके डालनी है अपोनेंट के, कि अगर उसकी आंखों में आके नहीं डाली तो वो किक कहां से कहां मार देगा कुछ नहीं पता होता और हम बाउट हार जाएंगे। तो ये सारी की सारी जो प्रैक्टिस थी वो प्रैक्टिस वही प्रैक्टिस है। हम किसी भी काम की जब हम प्रैक्टिस करते हैं और एक बार नहीं हमें सैकड़ों बार हजारों बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब हम उसके मास्टर बनते हैं। ठीक है सर। तो चाहे वो आपकी कार चलाने की प्रैक्टिस हो, आप ड्राइंग करते हैं आर्ट हो, आपकी आपकी स्पीकिंग पावर हो, आपकी राइटिंग हो, आप स्केटिंग कर रहे हैं, आप स्केट करेंगे, एक बार गिरेंगे, दो बार गिरेंगे, दस बार गिरेंगे, धीरे 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 आप मास्टर हो जाते हैं स्केट चलाने में। पहियों के ऊपर अपनी बॉडी को संभाला नहीं जा सकता, लेकिन संभालते संभालते आप स्केटिंग, आइस स्केटिंग है, रोलर स्केटिंग है, बहुत तरीके की स्केटिंग्स होती हैं, लेकिन बैलेंस बनाना आना चाहिए। साइकिलिंग है, उसके बाद किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, मैं जैसे मार्शल आर्ट की बात करी, आप सोचो क्रिकेट है, फुटबॉल है, बहुत दुनिया जहान की प्रैक्टिस चीजें होती हैं। फ्रिस्बी अगर आप खेल रहे हैं और फ्रिस्बी से अगर आपने रिंग के अंदर से फ्रिस्बी को निकालना है और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही वो जाके आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आप उसको रिंग में से बाहर निकाल देंगे। तो ये बार बार की प्रैक्टिस जो है ना आपको मास्टर बनाती है। तो इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी एक ही चीज को कर करके आप मास्टर बनते हैं। तो आपको बार बार किसी चीज को करना है। अगर हम एक छुरी को लेकर पत्थर के ऊपर बार बार घिसेंगे तो वो धार बन जाती है, तेज हो जाती है। इसी तरीके से कुल्हाड़ी को हम रगड़ते हैं तो तेज हो जाती है। हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो वो तेज हो जाती है। हमारा दिमाग को अगर हम बार बार यूज करेंगे तो वो तेज हो जाएगा। हम बार बार बुक्स पढ़ेंगे तो हमें चीजें याद होने लगेंगी। हम बार बार वीडियोस देखेंगे तो चीजें समझ में आने लगेंगी। हम चीजों को इकट्ठा करने लगेंगे, कलेक्शन करने लगेंगे तो हमारी जबान से वही शब्द निकलेंगे, वही बातें निकलेंगी, वही एक्साइटमेंट, सब कुछ वैसे ही होता है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है कि हम बार बार किसी चीज को प्रैक्टिस दे रहे हैं तो हमारे बार बार वही चीजें हम लोग कर पाएंगे।